नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है महेश प्लम्बिंग ज्ञान में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कोलर कंपनी का एलेंकी वाला कमोड कैसे लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और उसके बारे में समझाता हूँ कैसे उसका फिटिंग, एलेंकी का माप और चार का और इनलेट आउटलेट का पूरा माप बताएंगे, कैसे उसका रखते हैं और कटिंग करते हैं, कितना रखना चाहिए और कैसे एलेंकी पे वाइसर पे लगता है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो आपको दिखाते हैं, चलिए कैसे कमोड लगाते हैं कोलर कंपनी का, पूरा वीडियो देखिएगा तो मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे क्या काम करते हैं। चलिए तो आपको दिखाता हूँ कैसे काम होता है। दोस्तों हमारा ये कोलर कंपनी का कमोड है, तो हमने इसका सारा चीज़ सेटअप कर लिया हुआ है, तो मैं तभी आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसके एलंकी के बारे में। एलंकी लगा देना है, एलंकी हमारी ये रही, दोनों फिट कर दिया है और इसका चकनेट आता है टाइट करने का, टाइट कर देने का और दोनों बाजू एलंकी लगा देने का। और चार का और इसका पानी का माप, इसमें हमारा पानी का माप लंबा हो लंबा तक दिया हुआ है, तो आप इसका टुकड़ा पानी का बड़ा भी रख सकते हैं, 3 इंच 2.5 इंच, 2.5 इंच से कम मत रखिएगा। सबसे पहले इसका माप ले लीजिएगा दोनों का, उसके हिसाब से आप वहाँ रख दीजिएगा। और हमने एलंकी का जो हमारा जो मिलता है यहाँ से, हमने 9 साढ़े 9 सेंटीमीटर है, तो हमने 9 साढ़े 9 सेंटीमीटर इसका जो खड्डा है दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से दोनों दीजिएगा। जब एलंकी जाके आपका दोनों बैठ जाएगी तो उसके हिसाब से आप पहले रोड कटिंग कर लीजिएगा, तो दोनों एलंकी का आपका सेटिंग हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसको क्रॉस कीजिएगा, क्योंकि ये एलंकी देखिए अब थोड़ा क्रॉस है दोनों, तो इसका जो खड्डा है थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर पानी का जो है यहाँ से अंदर का माप ले लीजिएगा, यहाँ टाइट से जितना आता है, फिर यहाँ ब्लेड रख के आप माप ले लीजिएगा कितना जाता है, इसके हिसाब से आप इसका हो जाएगा। सेम टू सेम इसका भी है, पट्टी रख के पूरा माप ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। 1 इंच आपका यहाँ इसमें जाना चाहिए और इसके अंदर 1.5 इंच और 1.5 2 से 2 इंच इसके अंदर चला जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो जितना वाइसर अपना आता है इतना भाग उसके अंदर जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से ज़्यादा भी चला जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा जगह है तो भी चलेगा। तो हमारा ये पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या फिटिंग होता है। अब हमारा पूरा हो गया रेडी, तो लगाने जा रहे हैं, लगा के आपको दिखाते हैं। इसका आप माप लीजिएगा, हमने रखा हुआ है इसका 2.5 इंच रखा हुआ है हमने इसका, और इसका 2.5 इंच, 2.5 इंच इसका आ रहा है हमारा, तो हमने इसका 2.5 इंच माप लिया है और इसका 3 इंच 2.5 इंच लिया हुआ है। थोड़ा अंदर चला जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगा। तो हमारा ये पूरा सेटअप हो गया, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसका काम होता है, एलंकी कमोड आपको कैसे फिटिंग होता है। तो आप जब फ्लश टैंक लगाएंगे तो उसके हिसाब से आप परफेक्ट माप रखेंगे तो आपका वाइसर पे लग जाएगा, सिरमिट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है, ये हमारा ऑयल का बोतल है, इन सब पर ऑयल लगा लीजिएगा तो घुसने में आसान रहेगा आपको। तो बढ़िया से ऑयल लगा दीजिएगा तो आपका वाइसर बराबर चलेगा। अब हमारा रेडी हो चुका है, इसमें सब में बराबर ऑयल लगाइएगा तो क्या इसका आराम से चला जाएगा। तो आपको लगा के दिखाते हैं पूरा, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों हमारा कमोड लग के एकदम रेडी हो चुका है, यहाँ हमारा एलंकी आता है। अब सीट कवर लगाने जा रहे हैं और हमने पानी डाल के चेक कर लिया, लीकेज वीकेज नहीं है, हमने देखो चेक कर लिया और एकदम कमोड सट गया है, एक भी बाहर नहीं है, पूरा एकदम परफेक्ट लग गया है। नीचे से भी आप देखिएगा पूरा चपक गया है अंदर तक। तो हमारा कमोड लगाने का कैसे तरीका आपको अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है कोलर का जो हमारा कमोड है, इसका सीरीज नंबर भी मैं आपको इसमें नीचे दे दूँगा लिंक में, कैसे पूरा बताएंगे कैसे क्या फिटिंग हुआ है और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो हमारा आपको मैं कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानकारी दिया हूँ, मैं अपने हिसाब से कैसे फिटिंग करता हूँ। तो दोस्तों हमने बताया कोलर का जो हमारा जो कमोड फिटिंग कैसे करते हैं एलंकी वाला, तो मैंने आपको बताया उसका माप के बारे में, इनलेट आउटलेट के बारे में, एलंकी कहाँ से लगाते हैं उसके बारे में बताया,
तो कैसे क्या फिटिंग करते हैं, उसके बारे में कहाँ से प्रोसेस करते हैं, उसका पूरा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताया कैसे क्या फिटिंग होता है। तो चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भाई नया वीडियो बना के लेकर आएगा, तब तक आप सबको मेरा सलाम और राम राम। आपका भाई महेश प्लम्बिंग यार्ड में स्वागत करता है।